दोस्तों ये दिल्ली में देखिए आईटीओ के पास एक बहुत ही खूबसूरत टनल बनी है, आज आपको दिखाते हैं इस टनल का। ये देखिए विकास मीनार, और अब हम आईटीओ के पुल पर चढ़े हुए हैं। ये देखिए आईटीओ का पुल और ये विकास मीनार इस तरफ, और हमने आईटीओ के पुल से बिल्कुल इस तरफ ना लेते हुए लेफ्ट को हमने सीधी ले लिया गाड़ी, बिल्कुल सीधी सराय कालिखा की तरफ। और अब वो टनल बहुत जल्दी आने वाली है, ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी टनल बनाई है। इससे हम आईटीओ का जो जाम था, तिलक ब्रिज का जो जाम था, उससे बच के हम मात्र 2 से 3 मिनट में सीधे इंडिया गेट पहुंच जाते हैं। ये देखिए अब हम सराय का आईटीओ पुल पार करके सराय कालिखा की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ से मात्र ये लगा लीजिए 1-1.5 किलोमीटर के की दूरी पर वो टनल आ जाती है। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड पे लिखा आया है प्रगति मैदान इंडिया गेट लेफ्ट हैंड को। ये देखिए, और ये आ गई हमारी टनल लेफ्ट हैंड को। ये आईटीओ पुल से 1 किलोमीटर से भी कम है शायद। और ये देखिए, ये आगे हमारी टनल लेफ्ट को, ये रहा साइन बोर्ड प्रगति मैदान इंडिया गेट का, और ये हमारी टनल आ गई, और ये हम अब टनल में एंटर कर चुके हैं। देखिए देखिए, ये दोस्तों दिल्ली में बहुत ही खूबसूरत टनल बनाई है अभी अभी, इसका उद्घाटन शायद महीना डेढ़ महीने पहले ही हुआ है, और यह पब्लिक के लिए ओपन है, तो आप लोग चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए साइन बोर्ड इंडिया गेट लिखा हुआ है। देखिए अंदर नज़ारे टनल के, बहुत ही सुंदर टनल दोस्तों। आईटीओ से इंडिया गेट की तरफ जाते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, मात्र 2 से 3 मिनट में। जो रास्ता 15-20 मिनट तक भी लग जाता था आईटीओ से इंडिया गेट पहुंचने में, क्योंकि रेड लाइट्स आती हैं वहाँ बड़ी बड़ी, तो वो सब दोस्तों स्किप हो गई हैं। अब ये टनल से आप आके, कोई रेड लाइट नहीं अंदर, और ये देखिए टनल, और आप सीधे इंडिया गेट निकलेंगे इससे मात्र 2 से 3 मिनट में। यानी हमारा 15-20 मिनट का सफ़र 2 से 3 मिनट में पूरा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों कितनी लंबी चौड़ी टनल है, बहुत ही अच्छी टनल है। ये देखिए, यस, और ये काफ़ी लंबी है दोस्तों। ये मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक भी हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, हम बाहर आ गए हैं टनल से। ये देखिए और इसके और भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है दोस्तों, लेकिन ये क्योंकि हमारा ये रास्ता है, तो जो लोग इस रास्ते से आते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और भी पता कर सकते हैं गूगल पे इसके बारे में कि कहां से इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट और है। ये और भी कहीं से एंट्री होके कहीं से निकलती है, ये नहीं कि मात्र, क्योंकि एक रास्ता टनल में लेफ्ट हैंड को भी गया हुआ था, वहाँ भी थोड़ा रिपेयर का काम है, यानी वो रास्ता भी कहीं जाता है। तो ये एक ही रास्ता नहीं इस टनल में, कुछ और भी रास्ते हैं, गूगल पे आप पता कर सकते हैं। बाकी एक रास्ता जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने आज आपको दिखा दिया। ये देखिए अब हम इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा ये कोस्ट गार्ड आ गया, इंडियन कोस्ट गार्ड, और वो देखिए सीधे हाई कोर्ट और इंडिया गेट आ गया। ये देखिए इंडिया गेट, देखिए दोस्तों इंडिया गेट। तो आप भी इस टनल का फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो को देख के। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।